नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी भारती समाचार। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। लगातार हो रही बारिश से गंगा और गंगा की सहायक नदियां उफान पर हैं। कई दिनों से खतरे के निशान के ऊपर बह रही गंगा के किनारे बसे हुए गांव बाढ़ में पूरी तरह डूब चुके हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गोद लिए हुए ग्राम सभा डोमरी का भी बुरा हाल है, जहां पूरा गांव जलमग्न हो चुका है। ऐसे में शासन प्रशासन पूरी तरह लोगों को सुविधा मुहैया कराने में लगा हुआ है। बाढ़ में फंसे हुए लोगों को राहत शिविर में पहुंचा दिया गया है और लोगों को खाने पीने की किट भी पहुंचाई जा चुकी है। साथ ही स्वास्थ्य टीमें भी डोमरी गांव में तैनात हो चुकी हैं, जिसमें बुजुर्ग बच्चे और गर्भवती महिलाओं का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। राहत शिविर में रह रहे लोगों को खाने पीने की उचित व्यवस्था कराई जा चुकी है। पशुओं के लिए भी चारे की व्यवस्था कराई गई है। बताते चलें कि प्रधानमंत्री जी के गोद लिए हुए गांव डोमरी में उत्तर प्रदेश सरकार व पीएमओ के द्वारा दोहरी सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत सुजावाद अजीत कुमार से। सर, किस तरीके की बाढ़ में लोगों को सुविधाएं पहुंचाई जा रही है, खासतौर से वृद्ध और नवजात शिशु? वृद्ध और नवजात शिशुओं के लिए जो हमारे जिलाधिकारी महोदय के मार्गदर्शन में जो निर्देश हम लोग को मिले हैं कि वृद्धों के लिए और बच्चों के लिए सुबह केला और दूध, और जो बच्चे हैं उनको भी शाम को दूध की व्यवस्था की जाए, या वृद्ध जो डायबिटीज़ की हैं उनको पूरी अगर बन रहा है तो उनके लिए रोटी की व्यवस्था है। गर्भवती महिलाएं हमारे जो शिविर कैंप में हैं उसमें कोई गर्भवती महिला नहीं है। पशुओं के लिए भी चारे का वितरण? हाँ, पशुओं के लिए भी, सभी के लिए जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं कि पशु और जो भी व्यक्ति बाढ़ पीड़ित है सबके लिए खाने की, राशन के, पानी की सारी व्यवस्था है। पशुओं के लिए भूसे की व्यवस्था जो डिमांड यहाँ से की गई है मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा, उसको पहुंचाया जा रहा है, जिसका वितरण अभी वर्तमान में तुरंत हो रहा है। इस कल भी वितरण हुआ था भूसे का हमारे यहाँ। राहत कैंप में कितने लोग हैं? राहत कैंप में 17 परिवार के 100 लोग हैं इस समय जी, उसमें बच्चे और बुजुर्ग और महिलाएँ सभी लोग हैं। उन लोगों को दोनों टाइम खाने पीने? सुबह 8 बजे नाश्ता, आज जो है सुबह नाश्ते में चाय, ब्रेड, केला, बच्चों को बिस्कुट और दूध, ये दिया गया। शाम को अभी बन रहा है चावल, दाल, अचार, घी के साथ, ये है। शाम को जो है अभी, आज नागपंचमी दिन है तो आज हम लोग व्यवस्था करेंगे पूरी, सब्जी, खीर की। भैयालाल शर्मा, ग्राम सभा डुमरी। भैया लाल जी, किस तरीके की सुविधाएं मिल रही हैं यहाँ पे? पूरी तरीके से बाढ़ से आप लोगों का डुमरी गाँव घूम चुका है। देखिए, हमारे यहाँ शासन और प्रशासन से भी सुविधा मिल रही है, प्रधानमंत्री पीएमओ कार्यालय से भी सुविधा मिल रही है, हमारे यहाँ डॉक्टर भी बैठे हुए हैं और सुविधा दिया जा रहा है, पशु डॉक्टर भी आकर दवा ववा दे रहे हैं। हमारे यहाँ गांव के छोटे लाल प्रधान जी, वो भी सुबह से शाम तक, मतलब 10 बजे रात तक बैठकर सबके बीच में बैठकर जो जो दिक्कत समस्या है उसको देख रहे हैं और करा भी रहे हैं, और सारे लोग को अवगत भी करा रहे हैं, मतलब सब सुविधा दिला रहे हैं। महिलाओं के यहाँ पर किस तरीके से सुविधा मिल रही है, और नवजात शिशुओं को और गर्भवती महिलाओं को खासतौर से किस तरीके से? महिलाओं को एनम जो है बैठकर दवा भी दे रही हैं, दूध भी दे रही हैं, और हमारे प्राथमिक विद्यालय पर जो बाढ़ में घिर गए हैं, वो जो विद्यालय में शरण लिए हैं, उनको जो है हलवाई लगाकर, खाना पकाकर, बनाकर उनको दोनों टाइम उपलब्ध कराया जा रहा है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।